Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, now we are going to do exercise B of chapter 8 adjective class 6 grade 1 with grammar. और अब आपको 7:30 PM पर डेली एक वीडियो मिलेगी, आप उसे ज़रूर देखिए, उससे आप अपना ग्रामर का नॉलेज बढ़ाइए ताकि आप आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश में ही लोग फंस जाते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम 10th लेवल से भी होते हैं, 6th लेवल से भी होते हैं, ओलंपियाड वगैरह है, जैसे NTSC का एग्ज़ाम है। तो आप अगर इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तभी आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज बी हम लोग पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। हमको अपोजिट मीनिंग ढूंढ करके वर्ड्स को फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है टू द वन रिटन इन इटैलिक्स। और ये देखना है कि हमारे सेंटेंस में इटैलिक्स में क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमें उसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना है और उसको फिल करना है। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जिसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, गिल्टी, इंडस्ट्रियस, मॉडर्न, फियरलेस, डल, कोर्टियस, सीरियस, कावर्ड, तो इसी तरीके से हमको ये वर्ड्स यहाँ पर फिल करने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला किया हुआ है, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये स्टार्टिंग से हम आ गए हैं नंबर वन से, तो शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर हमारा है उसमें लिखा है रोहित इज़ अ ब्रेव बॉय, रोहित एक ब्रेव बॉय है, बट इज़ ब्रदर इज़ ए, यहाँ पे फिल है कावर्ड। कावर्ड क्यों आया, क्योंकि हमको इस पूरे सेंटेंस में इटैलिक्स में लिखा हुआ वर्ड ढूंढना है, ये है हमारा एडजेक्टिव है ब्रेव, और इस ब्रेव को ही यहाँ पर बदल करके कावर्ड लिखा गया, क्योंकि ब्रेव का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है कावर्ड। नंबर टू देखते हैं, ही वॉज इंसोलेंट बट हिज ब्रदर वॉज डैश। अब इंसोलेंट माने होता है बदतमीज़, बहुत ज़्यादा जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार करे, गंदा व्यवहार करे, उसको हम बदतमीज़ यानी इंसोलेंट बोलते हैं। बट हिज़ ब्रदर वॉज कोर्टियस, उसका लेकिन जो भाई है वो कोर्टियस है, कोर्टियस माने होता है विनम्र, यानी जो अपनी बात को कायदे से करे। नंबर थ्री देखिए, द इनोसेंट ऑफन सफ़र, इनोसेंट यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसका अपोजिट होता है इनोसेंट माने होता है निर्दोष, और इनोसेंट का अपोजिट होता है गिल्टी यानी जो दोषी हो। तो लाइन कैसे बनेगी, द इनोसेंट ऑफन सफ़र, जो इनोसेंट लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं, अक्सर उन्हीं को कष्ट झेलना पड़ता है, दुख तकलीफ दे झेलनी पड़ती है, वाइल द गिल्टी इज एस्केप, जबकि जो दोषी लोग होते हैं वो एस्केप यानी बच जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर है हमारा, हिज ह्यूमरस जोक्स, ह्यूमरस माने होता है मज़ेदार, जिसको सुनने से मज़ा आए। His humorous jokes were not liked, उसके humorous यानी मज़ेदार jokes जो हैं उनको कोई like नहीं करता, वो like नहीं किए जाते थे by his serious wife, मतलब किसी husband के जो joke करता था वो उसकी wife जो है वो seriously लेती थी, मतलब उसको ध्यान से नहीं सुनती थी क्योंकि वो serious थी। ये nature की बात है, कई लोग जो हैं वो थोड़े जोक्स करने वाले होते हैं, मज़ा लगाने वाले होते हैं, आपने देखा होगा अपने घर परिवार में भी कई लोग मिलते हैं जो थोड़े ह्यूमरस टाइप के होते हैं, और जबकि कुछ लोग सीरियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंसते नहीं हैं, हंसी मजाक नहीं करते, तो ये उसके लिए लिखा हुआ है। ह्यूमरस का अपोजिट होता है सीरियस। फिफ्थ नंबर देखिए, द डियर इज़ अ टिमिड एनिमल, टिमिड माने होता है बहुत ज़्यादा ही डरपोक, ज़रा सी चीज़ से डर जाने वाला, तो द डियर इज़ अ टिमिड एनिमल, डियर जो होता है वो एक डरपोक जानवर होता है, बट द लायन इज़ फियरलेस, लेकिन लायन जो होता है वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, वो फियरलेस होता है। नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर है, एंशियंट हिस्ट्री इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशियंट यहाँ पे हमारा एक आप देख सकते हैं ये हमारा एडजेक्टिव है, और इसके इसकी की जगह हमारा इसका अपोजिट आएगा मॉडर्न। एंशियंट माने होता है प्राचीन, यानी बहुत पहले की बात होना, और मॉडर्न होता है नई बात होना, तो एंशियंट का अपोजिट हो जाएगा हमारा मॉडर्न। सेवन्थ नंबर है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, यानी किसी कहानी की शुरुआत जो है वो इंटरेस्टिंग है, बट इट्स एंड इज़ डल, डल माने होता है बोरिंग यानी जिसमें मज़ा ना आए, इंटरेस्टिंग माने होता है जिसमें मज़ा आए, और डल माने बोरिंग यानी जिसमें मज़ा ना आए।
तो इसका इंटरेस्टिंग का अपोजिट हो गया डल, यानी कहानी की शुरुआत जो है वो अच्छी है, बढ़िया है, मज़ेदार है, लेकिन उसका जो एंड है, वो जब कहानी ख़त्म होती है तो वो बिल्कुल डल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, बॉयज़ हु आर इंडस्ट्रियस सक्सीड, यहाँ पे फिल करना था, दोज़ हु आर लेज़ी फेल। अब लेज़ी यहाँ पे हमारा जो है वो एडजेक्टिव है, लेज़ी माने आलसी होता है, और जो इंडस्ट्रियस वर्ड है इसका मतलब होता है मेहनती, यानी बॉयज़ जो मेहनती हैं वो सफलता पाते हैं, हु दोज़ हु आर लेज़ी, यानी जो हमारे लेज़ी बॉयज़ हैं या अपनी जो काम ना करने वाले हैं आलसी बच्चे हैं, वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज एवरी 7:30 PM यू विल गेट अ न्यू वीडियो। बाय।